चलते दोस्तों, कल होली है इसलिए आज हम चंद्रकला मिठाई बनाएंगे, जो कि मेरे घर में सभी लोग को बहुत पसंद है। मिठाई होली इस मिठाई के बिना अधूरा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। एक बर्तन ले लिए हैं, उसमें 2 कटोरी मैदा डालेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गूंथ लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब ढक कर आधा घंटा के लिए साइड में रख देंगे, तब तक चाशनी तैयार कर लेंगे। एक पतीला चढ़ा दिए हैं, 2 कटोरा चीनी डालेंगे, 1 कटोरा पानी डालेंगे। चीनी को घुलने देंगे, गैस के फ्लेम हाई रखेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी में एक तार आने लगा है, अब गैस ऑफ कर देंगे। चाशनी बनकर तैयार है। अब मावा तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे, घी गर्म हो चुका है, और इसमें मावा डालेंगे 1 कटोरा। और चलाते हुए मावा को 1-2 मिनट भून लेंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता, अखरोट डालेंगे, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा के स्टफिंग तैयार है, गैस ऑफ कर देंगे। बड़ा बड़ा लोई बना लेंगे, इस तरह से गोला और चपटा कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। गोला बड़ा सा रोटी जैसे बेल लिए, अब इसे गिलास के सहायता से कट कर लेंगे। एक एक पीस लेंगे, अब इसमें मावा डालेंगे, एक दूसरे से प्रेस करते हुए इस तरह से चारों तरफ से किनारे को चिपका लेंगे। अब इस तरह से चारों तरफ से हो गया, अब इसे फोल्ड करेंगे। एक बर्तन में डाल देंगे, इसी तरह से सारे मिठाई को तैयार कर लेंगे। इसी तरह बचे हुए मैदा को भी बेल लेंगे। स्टफिंग भर लिए हैं, अब इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब उसमें फ्राई करेंगे। एक एक डालेंगे। अब पलट लेंगे।
अब गैस का फ्लेम कम कर देंगे। फ्राई हो चुका है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे चंद्रकला को फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। सारे चंद्रकला फ्राई हो चुका है, अब इसे चाशनी में डालेंगे। चाशनी में हम थोड़ा सा फूड कलर डाले हैं, जो कलर जलेबी में डालता है वही डाले हैं चाशनी में। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, मेरे पास केसर नहीं था अभी, इसलिए जलेबी वाला कलर डाले। इससे थोड़ा हलवाई जैसा लुक आता है। तो अब चलते हैं, इसमें चंद्रकला को डालते हैं चाशनी में इस तरह से। सबको डिप कर देंगे चाशनी में, आधा घंटा चाशनी में ही छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब मिठाई मेरा बनकर तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चारों तरफ से चाशनी थोड़ा सा डालेंगे। अब थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे ऊपर से। मिठाई खाने के लिए तैयार है। इस होली पर आप ज़रूर बनाइएगा चंद्रकला मिठाई, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बहुत ही मिठाई पसंद आता है। इसे आप भी बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा रेसिपी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। हैप्पी होली।